की है। ज़फ़र अल्लाह, फतह अल्लाह की है। आमीन। खवातीन, आपने खुश्क गोश्त को अच्छी तरह बांध दिया है ना, जैसा आपने हिदायत दी थी अम्मा हाइमा। पानी के मशकों के मुंह मजबूती से बांधना ताकि पानी न टपके, ठीक है अम्मा हाइमा। मेरी बच्ची, ये मरहम वाफी मिकदार में बना लेना ताकि अगर हम जख्मी हो जाएं तो इसके इलाज के लिए काफी होगा, जैसा आप कहें अम्मी जान। अम्मा हाइमा, माशाल्लाह आपको इसमें कितना तजर्बा है। मेरी बच्ची, जिस तरह अब मेरा बेटा, इसी तरह मेरे बाबा और शोहर भी गाजी सरदरान थे। मैंने जंगों के बीच परवरिश पाई है। मैं तमाम वक्त बहनों की सरबरा थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जंग की तैयारी कैसे करनी है। माँ हाइमा, बहनों की सरबरा का क्या मतलब? क्या आप खवातीन की कमांडर थी? तुम इस तरह भी कह सकती हो। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, एक मौके पर मैंने जनाब सुलेमान शाह को इसी तरह जंग में भेजा था। फिर हमें पता चला कि दुश्मनों ने हमारे कबीले को भी घेर लिया है। और आपने क्या किया अम्मा हिमा? हमने क्या किया? आ मेरी बच्ची, आ। कबीले में सिर्फ चंद मर्द थे, बाकी सारी खवातीन थी। हमने तमाम बहनों को बुलाया, हम सब ने अपनी तलवारें उठा ली। दुश्मन समझते थे कि हम आसान लुकमा होंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम तुर्क खवातीन हैं। जब हमारा एक हाथ काम में मसरूफ होता है तो दूसरे हाथ में तलवार तैयार होती है। जब उन्होंने हमारे कबीले पर हमला किया तो हमने उन्हें पूरी तरह शिकस्त दे दी। जब सुलेमान शाह दुश्मनों पर फाता होकर वापस लौटे, उन्होंने देखा कि कबीले में बहनों ने भी फतह पाई थी, हम भी थीं। आप, वो बहुत मुश्किल वक्त था। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो मेरी बच्ची, जब जंग शुरू होती है तो मर्द खवातीन इसमें दोनों शामिल होते हैं। इस लम्हे के बाद आप समेत हम सब अपने हाथ में तलवार थाम कर रखेंगे, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। गोंदूज, तुम क्या कर रहे हो? दादी जान, मैं तीर बना रहा हूँ, बस थोड़ा सा रह गया है। तीर? किस किस्म का तीर है? दादी जान, मैं ये बाबा को दूंगा। अगर मैं जंग पर ना भी गया तो अगर उन्होंने मेरे तीर से दुश्मन को मारा तो ये मैंने मारा होगा। कितना बहादुर लड़का है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो तो, और तुम्हारी इस चलाकी के लिए मेरे शेर ये दादी जान कुर्बान जाए। दादी जान की खुशी मेरी खुशी,
benim aslanım. Ah, ye mera sher.